Hello students, today we are going to study more practicals from the chapter of time value of money. Before starting with the practical, let us revise the formulae that are being used in this chapter. The first one is computation of future value. The value of future, the amount invested, can be calculated using this formula, where FV is equal to PV multiplied by 1 plus R to the power n, where PV represents the present value. R represents the rate of return, and whereas n is the period, that means the duration in which the amount will accumulate for a number of times. When we are talking about the present value, that can be calculated using this formula, where present value equals to future value divided by one plus i to the power n. We can write it as r or i. Here, i or r is the same things. Starting with the first practical, let us say.

द क्वेश्चन सीज दैट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई है टेन थाउजेंड रुपीज हो गई है एंड इट ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट द आर वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमारी जो वैल्यू है वो कितनी स्पेसिफाइड है ट्वेल्व परसेंट दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है वो हमारा कितना हो गया ट्वेल्व परसेंट द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग दैट इज द वैल्यू ऑफ एन अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है एन की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर हम फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मुले में इसको हम पुटअप करते हैं वी जस्ट हैव प्लेस ऑल द वेरिएबल्स। मैंने सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया प्लेस कर दिया एट द एंड वी कैन सी दैट वी गेट द आंसर एज सिक्सटीन इज इक्वल्स टू वन पॉइंट पार एन सिंस एन की वैल्यू जो पार में है तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे लॉग के थ्रू सॉल्व होगा तो आई हैॉक वन पॉइंट टू आई एम पेडी मच श्योर कि आप लोग ने इसके पहले वाले जो वीडियोस में तो उसमें मैंने आपको जब ज्योमेट्रिक मीन बताया था तो उस टाइम पर आप लॉग को वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लेते हो आफ्टर कंप्यूटिंग द लॉग वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ एज दैट सिक्स लॉग सिक्सटीन विल बी रिटर्न एज वन पॉइंट वेयर एज लॉग वन को हम कैसे लिखेंगे उसकी वैल्यू लिख देंगे जीरो पॉइंट जीरो फोर नाइन टू ऑबियसली सॉल्विंग द वैल्यू वी गेट द आंसर एज ट्वेंटी वेयर एन विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर ईयर्स अप्रॉक्सिमेशन दैट मीन्स की जो हमारा ड्यूरेशन होगा टेन थाउजेंड को वन लैख सिक्सटी थाउजेंड में कन्वर्ट होने पर वो भी ट्वेल्व परसेंट के रेट से वो ऑब्वियसली कितने ईयर्स हो जाएंगे इट विल बी ट्वेंटी फोर ईयर्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन राम प्रसाद इज लाइकली टू रिसीव टू थाउजेंड आफ्टर थ्री ईयर्स वॉट इज द वैल्यू एज ऑन दैट डे इफ द टाइम ऑब्वियसली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन एट द टाइम यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच टेन परसेंटेज लेटेस्ट से क्या हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है एंड इट सीज दैट कि द प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई दो हजार एंड नंबर ऑफ ईयर्स हमें कितना गिवन था थ्री इयर्स गिवन था रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया टेन परसेंट ऑन सॉल्विंग द वैल्यूज वी कैन ईजिली गेट द आंसर एज हाउ मच वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू पॉइंट सिक्स थ्री क्योंकि इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ऐड ऑन एक्स्ट्रा आपको मैं करा दे रहा हूं उसमें क्या कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था क्वेश्चन में हाँ तो हेयर इज अ क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो मिसप्रिंट था उस पर हम वर्क कर लेते हाँ दिस मन इट कि हाँ इफ द टाइम वॉट इज द वैल्यू एज ऑन दैट डे इफ द रेट इट विल बी यहां पे इफ द रेट इज रेट इज टेन परसेंट दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन इसी के पे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर दिया सॉल्व कर दिया है ऑब्वियसली यहाँ पे सारी चीजें एग्जैक्ट वैल्यू पे ही प्लेस करनी है यू कैन डेफिनेटली गेट योर आंसर लेट्स मूव टू द थर्ड प्रैक्टिकल हेयर मिस्टर राम इज एक्सपेक्टिंग टू जनरेट द फॉलिंग कैश इन फ्लोज आफ्टर वन ईयर रुपीज टू थाउजेंड आफ्टर ईयर टू दैट विल बी रुपीज थ्री थाउजेंड आफ्टर ईयर थ्री रुपीज टू थाउजेंड आफ्टर ईयर फोर रुपीज सिक्स थाउजेंड What would be the present value of all the future cash flow if the rate of interest is 10%? अब ये आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन्होंने चार सालों में क्या अलग अलग अमाउंट को पैसे को डिपॉजिट किया है बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम यहाँ पे जो आर की वैल्यू क्या है वो सेम ही रही है हर बार अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि भाई आपके पास ये अलग अलग यस दे रखे हैं यू जस्ट हैव टू कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला अब आपको फार्मूला वही यूज करना है बस को क्या करेंगे अलग अलग यस पे सॉल्व कर लेंगे तो लेट्स सॉल्व द प्रैक्टिकल अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करना है हमसे बताया कि एक साल के बाद इतने रुपए मिल रहे हैं फिर दो साल के बाद इतने मिल रहे हैं तीन साल के बाद और इतने साल के बाद इतने रुपए मिल रहे हैं आपको ये कंप्यूट करना है कि आज के टाइम पे अगर वो वैल्यू सारी मिल जाएं वो हमें कितनी मिलेगी तो क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही हैज़ डिपॉजिटेड रुपीज हाउ मच टू थाउजेंड सिंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट दैट कैन बी रिटर्न एज वन पॉइंट वन जीरो आपको पता है मैंने इसको सॉल्व करके डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी है वहाँ पर ड्यूरेशन थी एक साल के जज्बा तो पावर कितनी हो गई वन हो गई सेकेंड पार्ट में ही हैज़ डिपॉजिटेड सम रुपीज एंड दैट विल बी रिसीव्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स वो उनको दो साल के बाद तीन हजार रुपये मिलेंगे तो हमने वो पैसे को भी यहाँ पे क्या कर दिया रिकॉर्ड कर दिया फिर उन्होंने एक जगह और इन्वेस्ट किया था वहां से उनको दो हजार रुपए मिलेंगे आफ्टर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स तो यहां पे आप देख सकते हो कि उसकी पावर कितनी हो गई थ्री हो गई है लास्ट केस में उनको सिक्स थाउजेंड रुपीज एज अ फ्यूचर अमाउंट मिलेगा दैट इज टू आफ्टर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर तो ही जस्ट वॉन्ट टू कंप्यूट दैट आफ्टर दिस सेटलमेंट वॉट विल बी द टोटल अमाउंट दैट ही हैजू इन्वेस्ट एट द करेंट पीरियड तो आज के टाइम पे अगर उसकी वैल्यू ये जो सारे पैसे फ्यूचर में हमें मिलने वाले कोई पैसा एक साल के बाद कोई पैसा दो साल के बाद कोई पैसा तीन साल के बाद और कोई पैसा चार साल के बाद ये पैसा अगर हमें आज मिलेगा तो उसकी वैल्यूशन कितनी होगी तो आपको पता ही है भाई अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये फॉर्मुला होता है क्योंकि हमारे पास चार अलग अलग टाइप के हैं तो इसी में मैंने फॉर्मूले को क्या कर दिया ऐड कर दिया आप चाहो तो हर एक का क्या कर सकते हो अलग कंप्यूट करके बाद में भी इसकी टोटल वैल्यू को तो लिख सकते हो अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी टू थाउजेंड अपॉन वन प्लस आर की वैल्यू मैंने सबको सॉल्व कर रखा है सिंपल से डिवाइड करने के बाद वी गेट द आंसर एस नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एट पॉइंट ट्वेंटी टू रुपीज दैट मीन्स अगर मैं इस सम की टोटल बात करूं कि ये टोटल सम हमारा यहाँ पे कितना हो गया था थर्टीन थाउजेंड रुपीज़ है टोटल फ्यूचर वैल्यू थर्टीन थाउजेंड हमारी क्या है फ्यूचर वैल्यू वो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में कंप्यूट करें इसको अगर हम आज के टाइम पे कन्वर्ट करें वो भी अलग अलग ईयर्स में जनरेट होने वाली तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट वैल्यू विल बी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी एट पॉइंट टू टू आई एम श्योर दैट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई दिक्कत आई है यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी थैंक यू स्टूडेंट्स टेक केयर